विद्यार्थियों, स्वागत है बेटे आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम 8th क्लास में हिंदी में चैप्टर नंबर 18 पदबंध और उपवाक्य कर बेटे। लास्ट वीडियो में हमने पदबंध का पार्ट किया था, आज हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट जिसका नाम है उपवाक्य। चलिए बेटे शुरू करते हैं सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 18 से जिसका नाम है उपवाक्य। तो फर्स्ट पार्ट बेटे हमारा रहेगा उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से उपवाक्य के दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। फर्स्ट देखो बेटे प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य में उपवाक्य स्वतंत्र होता है और वह किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता। जैसे मैंने कंबल खरीदा है, मान लीजिए आप इतना कहते हो मैंने कंबल खरीदा है, ये तो उपवाक्य ही है ना। तो इससे क्या है बेटे, ये स्वतंत्र है। इसका अर्थ इसमें सिर्फ इस वाक्य को कहने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जब आप कहते हो ना कि मैंने कंबल खरीदा है, जरूरी नहीं कि आप इसके आगे ही भी बोलो, इससे बात क्लियर हो जाती है कि आपने एक कंबल खरीदा है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने कंबल खरीदा है स्वतंत्र उपवाक्य। जो काले रंग का है उपवाक्य इस पर आश्रित है। ये जो नेक्स्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जो काले रंग का है यही इस पर आश्रित है, लेकिन स्वतंत्र तो ये है ना, प्रधान तो ये है। तो ये क्या है बेटे, प्रधान उपवाक्य। अर्थात जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं, यानी कि जो किसी पर दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता। सेकंड देखो आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित रहता है। इस उपवाक्य का पूरा भाव दूसरे वाक्य की सहायता से ही प्रकट होता है। जैसे पहले डेफिनेशन समझिए, यहाँ क्या कहा गया बेटे कि आश्रित उपवाक्य क्या होता है, जो दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है। आश्रित का अर्थ है निर्भर होना, और इस वाक्य का पूरा भाव दूसरे वाक्य की सहायता से ही प्रकट होता है। इस वाक्य में जो भाव है ना वो दूसरे वाक्य की सहायता से ही प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल जब कमल घर पर आया, मान लीजिए आप सिर्फ इतना सेंटेंस बोलते हो जब कमल घर पर आया, तो इसे तो आपका जो सेंटेंस बेटे वो क्लियर नहीं हुआ ना। जब आप कहोगे तब मैं घर पर नहीं था, तब जाकर ये वाक्य पूरा होगा। इसलिए जैसे यहाँ बताया कि जब कमल घर पर आया आश्रित उपवाक्य है, तो तब मैं घर पर नहीं था प्रधान उपवाक्य की सहायता से अर्थ प्रकट कर रहा है। यानी बेटे जो आश्रित उपवाक्य है उसमें आप जो सेंटेंस लिखोगे ना उसे अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अर्थ स्पष्ट तब होगा जब प्रधान उपवाक्य आप उसके साथ लिखोगे, क्योंकि प्रधान उपवाक्य ऐसा उपवाक्य होता है बेटे जिसमें उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसको किसी दूसरे उपवाक्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट इस चैप्टर से, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार का होता है? यहां देखिए बेटे आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तीन भेद होते हैं बेटे किसके? आश्रित उपवाक्य के। प्रधान उपवाक्य के कोई भेद नहीं होते, आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। ध्यान से समझते चलना इसको। फर्स्ट पार्ट देखो, संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य प्रधान यानी कि मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ये क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा उपवाक्य के प्रारंभिक की अथवा अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसकी मुख्य पहचान क्या है बेटे संज्ञा उपवाक्य की? इसमें एग्जाम्पल में आपको लिखा मिलेगा कि, दूसरा अल्प विराम यानी कि कोमा जिसे बोलते हैं ना वो राइट किया लिखा मिलेगा इसमें। जैसे एग्जाम्पल दिया बेटे यहाँ कि मेरा विचार है कि तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए। मेरा विचार है ये क्या है? ये प्रधान उपवाक्य है कि तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए। की जोड़ दिया ना बेटे, तो की किस में जुड़ता है? संज्ञा उपवाक्य में। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब इसमें देखो जैसे सेकंड इसमें पहचान बताई थी, कोमा लगेगा इसमें, अल्प विराम के हेल्प से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं हम। तो ये इसमें क्या है बेटे? कोमा दे रखे हैं। तो ये क्या किसका एग्जाम्पल रहा? संज्ञा उपवाक्य का। सेकंड देखो विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में आए संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। सेम डेफिनेशन बेटे वो यहाँ भी दे रखी है, उसको क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य। फॉर एग्जाम्पल जो अपराधी पकड़ा गया वह खतरनाक था। कक्षा में जिसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए वह मेरा मित्र है।
देखो जो अपराधी पकड़ा गया, जो विशेषण की पहचान है ना बेटे, ज्यादातर ना जो लिखा मिलता है इसमें विशेषण उपवाक्य में, जैसे इसमें दूसरा जिसने दे रखा है, जो अपराधी पकड़ा गया वह खतरनाक था। तो अपराधी क्या है? संज्ञा है ना बेटे, भाववाचक संज्ञा है ये। तो ये क्या है? जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में है, संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, वह विशेषण उपवाक्य होता है। जो अपराधी पकड़ा गया वह खतरनाक था, तो इसमें उपवाक्य क्या हुआ? वह खतरनाक था, विशेषण उपवाक्य हुआ ये। संज्ञा में जिसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है। तो ये क्या है? विशेषण उपवाक्य का एग्जाम्पल है, यानी कि विशेषण उपवाक्य वो होते हैं जो संज्ञा शब्द की विशेषता को बताते हैं। और आश्रित उपवाक्य आपको हमेशा ध्यान यही रखना है बेटे कि यह दूसरे उपवाक्य पर पूरी तरह से निर्भर होता है। मान लीजिए आपने कहा कि कक्षा में जिसने अधिक अंक प्राप्त किए, तो इससे आपका सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ। कक्षा में जिसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, आप ऐसा कहकर अगर चुप हो जाते तो सेंटेंस आपका क्लियर नहीं है। सामने वाले के मन में इच्छा जागेगी कि मतलब इससे आगे क्या रहेगा, तो इससे आगे जो रहेगा वो प्रधान उपवाक्य रहेगा, वह मेरा मित्र है। जो अपराधी पकड़ा गया, अब यहाँ जैसे लिखा गया कि जो अपराधी पकड़ा गया वह अच्छा था, वह सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा बना, वह खतरनाक था, कैसा था, तो ये क्या रहेगा बेटे? प्रधान। जब तक आप ये नहीं बोलोगे तो ये क्लियर ही नहीं होगा। तो ये है बेटे विशेषण उपवाक्य। एग्जाम्पल देखो, क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं बेटे? जो क्रिया की विशेषता को बताता है ना, तो जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताएगा वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटे, यहां जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, अगर आप इतना ही सेंटेंस बोलोगे तो इससे आपका जो भाव है वो क्लियर नहीं होगा। लेकिन आप जब ये कहोगे ना कि तब गाड़ी जा चुकी थी या तब गाड़ी आई, तब वहां बहुत भीड़ थी, तो इस जब आप ये सेंटेंस बोलोगे तब इसका भाव क्लियर होगा। इसलिए प्रधान उपवाक्य है और ये क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जैसा पिताजी कहते हैं मैं वैसा ही करता हूं, मैं उनके अनुसार काम करता हूं। तो ये क्या, ये जो पीछे लिखा हुआ है ना सेंटेंस में, ये सारे प्रधान। और आपके आपको ना प्रधान की पहचान कैसे होगी बेटे? प्रधान उपवाक्य जो होगा ना, ना तो उसमें की लिखा मिलेगा, न जो, न जिसने, न जब, न जैसा, न जहां, कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा। और जिसमें लिखे मिलेंगे ना, वो सारे क्या होंगे? आश्रित उपवाक्य, बाकी प्रधान उपवाक्य हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल देखो, जब मैं सोकर उठी तब बिजली जा चुकी थी, ठीक है, बिजली जा चुकी थी, इसे इसका भाव क्लियर नहीं है। तो जब तक ये पूरा सेंटेंस नहीं होगा, पूरा भाव क्लियर नहीं होगा। तो ये जो ब्लू वर्ड में लिखे हुए हैं, ये है बेटे आश्रित उपवाक्य और ये है प्रधान। जहां मेरा विद्यालय है वहां आसपास बड़ी बड़ी दुकानें हैं। तो यहां क्रिया विशेषण के बारे में समझाया गया है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है जहां क्रिया की विशेषता को बताया जाता है। अब देखो इसमें मेन पार्ट बता रखा है, एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करने वाले एक से अधिक पदों के योग को पदबंध कहते हैं। फर्स्ट पार्ट था ना, लास्ट वीडियो में हमने इसको किया था, पदबंध किसे कहते हैं? एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करने वाले एक से अधिक पदों का योग पदबंध कहलाता है। पदबंध के कितने भेद होते हैं? पांच। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। बेटे ये था हमारा चैप्टर नंबर 18, पदबंध तथा उपवाक्य।